हेलो एवरीबॉडी, माय सेल्फ दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक नेशनल पार्टी है। पिछले वीडियो तक हमने 6 नेशनल पार्टीज पढ़ चुके हैं, तो हमारा जो 7 नेशनल पार्टी का टारगेट था जो हमारी बुक में दिए, तो हम 6 कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट पॉलिटिकल पार्टी है जो कि नेशनल पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी या फिर BSP। तो ये पार्टी, अगर मैं बिना समझाए आपसे पूछूं कहां की पार्टी है, तो आप बिल्कुल गैस कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश की पार्टी है। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज, इसका सिंबल भी मैं आपको बता दूं। सिंबल क्या है, सिंबल ध्यान रखिएगा, एलिफेंट, हाथी वाला जो सिंबल होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे झंडों पे ब्लू कलर की बैकग्राउंड के साथ में एक हाथी बना हुआ रहता है, तो वो सिंबल होता है बहुजन समाज पार्टी का। अब बहुजन समाज पार्टी जो है, तो इट वॉज फॉर्मड इन 1984 में इसको फॉर्म किया गया था, और अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम। ठीक है, तो कांसीराम जो थे, तो कांसीराम जी ने इन्हें इस पार्टी को फॉर्म किया था, और उनके बाद में इस पार्टी की कमांड किसके हाथ में है आज, पता है? आज पार्टी की कमांड है मायावती के हाथ में। ठीक है, तो अभी मायावती जो है वो इस पार्टी को आगे ले जा रही है। अब बहुजन समाज पार्टी जो है, समाजवादी पार्टी एक और अलग पार्टी है, वो भी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन वो नेशनल पार्टी नहीं है। ठीक, तो बहुजन समाज पार्टी जो है कब फॉर्म हुई थी, किसने फॉर्म की थी, और कौन प्रोमिनेंट लीडर से, ये आपको बता दिया मैंने। इट सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर दी बहुजन समाज। बहुजन मतलब क्या होता है, कि एक तरह से जो सोसाइटी के डाउनट्रोडन्स हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करती है ये पॉलिटिकल पार्टी, तो उन लोगों को सपोर्ट कर रही है। जैसे पार्टी प्रोपेगेंडा होते हैं, आइडियोलॉजीज होती है, हमने पिछली 6 पार्टीज में अलग अलग आइडियोलॉजी पढ़ी है, तो उसी तरह से क्या है कि बहुजन समाज पार्टी की एक अलग आइडियोलॉजी है। वो क्या बोलती है, कि दे रिप्रेजेंट्स एंड सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज। तो बहुजन समाज में जैसे दलित, आदिवासी, ओबीसी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, तो ये सारे सेक्शन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, और ऐसे प्रोमिसेस करती है, इलेक्शन में ऐसे प्रोपेगेंडा चलाती है कि अगर बहुजन समाज पार्टी पावर में आती है, तो इट वुड टेक स्पेशल मेजर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस ग्रुप्स। ठीक है, तो इस तरह से मतलब उसमें कोई गलत नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना एजेंडा होता है, और उस एजेंडा पे वो क्या करते हैं, उस एजेंडा पे वो इलेक्शन लड़ते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियोस में भी बताया था कि हर पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी के थ्रू वो क्या करती है, लोगों से वोट की अपील करती है, और उस बेसिस पे लोग उन्हें वोट देते हैं, वो पावर में आती है, तो जो अपना प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को वो पूरा करती है। तो इस तरह से बहुजन समाज पार्टी का आइडियोलॉजिकल स्टैंड जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर देखा जाए कि आइडियोलॉजिकल बेस क्या है, मतलब किन लोगों की बात करती है, या फिर किन लोगों से इंस्पिरेशन लेती है ये पार्टी, किन लोगों से इंस्पिरेशन लेके बनी है, तो साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, ये एक ही है। ठीक है, पेरियार रामास्वामी नायकर, अंबेडकर, तो ये सभी लोग क्या है, ये सभी जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे, आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि ये सभी जो लीडर्स थे हमारे, ये सारे लीडर्स ने क्या किया है, ये सारे लीडर्स ने सोशल रिफॉर्म पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस किया है। जो सोसाइटी में अनटचेबल्स थे, या फिर कह सकते कि जो डाउनट्रोडन थे, जो सोसाइटी में, जो सोसाइटी का निचला तबका था, उनके अपलिफ्टमेंट पे बहुत काम किया है। तो वही आइडियोलॉजी बहुजन समाज पार्टी क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, वो इन नेशनलिस्ट लीडर्स से, इन ग्रेट लीडर्स से इंस्पिरेशन लेके काम करती है पॉलिटिकल एरेना में। तो आई होप आपको ये समझ आया उसका आइडियोलॉजिकल बेस क्या है, और किस तरह से पार्टी प्रोपेगेंडा फैलाती है, और अपना, और किस प्रोपेगेंडा पे पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ती है। अब प्रोपेगेंडा में बार बार शब्द यूज कर रहा हूं, तो वैसे तो 9th में भी आप इस टर्म से फेमिलियर हुए थे, अभी एक बार और समझा देता हूं। प्रोपेगेंडा मतलब किसी भी चीज को एग्जिबिट करने का एक तरीका, किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो उनके कोर इश्यूज है। ठीक, अब क्या देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की प्रेजेंस कहां कहां पे, तो इट इज हैविंग अ स्ट्रांग होल्ड इन उत्तर प्रदेश, formed government for several times by taking support of different parties। तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा सक्रिय है ये पार्टी, कौन सी, बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी ने बहुत सी बार क्या करी है, गवर्नमेंट बनाई है उत्तर प्रदेश में, मतलब वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट होती, तो स्टेट गवर्नमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, उसी के साथ साथ में नेशनल गवर्नमेंट में भी कोलिजन में सीट्स दिए, लेकिन अभी 2014 के इलेक्शन में इन्हें कोई भी सीट नहीं मिली थी बहुजन समाज पार्टी को। उसके बाद में जो प्रेजेंट लीडरशिप है, तो वो मायावती के अंडर में प्रेजेंट लीडरशिप चल रही है बहुजन समाज पार्टी की, वहां पर चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है। इट इज ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ बहुजन समाज पार्टी इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के आजू बाजू के जो एरियाज हैं, ठीक है, तो उन एरियाज में भी बहुजन समाज पार्टी की प्रेजेंस को देखा जाता है, वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी का काम जो है वो सक्रिय रूप से चलता है। तो आई होप आपको सभी पॉलिटिकल पार्टीज क्लियर हो गई है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज मतलब 7 पॉलिटिकल पार्टीज, कौन कौन सी 7 पॉलिटिकल पार्टीज मैंने आपको बताई, भारतीय जनता पार्टी बताई थी, उसके बाद में कांग्रेस के बारे में बताया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में,
नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में बताया था, फिर हमने डिस्कस करी थी कम्युनिस्ट पार्टी, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और बहुजन समाज पार्टी। तो लगभग लगभग हमने जो सात नेशनल पार्टी आपकी बुक में दी गई है वो हमने सातों डिस्कस कर ली है। आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। तो इसी के साथ हमारा नेशनल पार्टी वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट पार्टीज के बारे में। मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था नेशनल पार्टी का, उस क्राइटेरिया को याद करके रखिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम स्टेट पार्टी पढ़ेंगे तब मैं स्टेट पार्टी डिक्लेयर होने के लिए क्राइटेरिया बताऊंगा और साथ ही साथ में क्या बताऊंगा, कंपैरिजन बताऊंगा नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के क्राइटेरिया में। तो उससे आपका कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा, चीजें रिवाइज भी हो जाएगी। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो होने वाला है स्टेट पार्टीज। थैंक यू वेरी मच।